विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने पहले कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर रहे। उन्होंने डीएमएफ समेत भूपेश सरकार के अनेक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस भ्रष्टाचारी सरकार को ये पसंद नहीं आया और साजिश करके उन्हें पद से हटा दिया गया। ये निहायत ही अनुचित है। कांग्रेस के अंदर रही भयानक लड़ाई की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस ने आदिवासी अध्यक्ष को यूज एंड थ्रो किया है। दीपक बैद्य जी हमारे सांसद साथी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा और लगातार मोहन मरकाम जी को कांग्रेस के अंदर अपमानित होना पड़ा। उनके संवैधानिक अधिकारों को भी उपयोग उन्हें करने नहीं दिया, उनके किए गए नियुक्ति को निरस्त कराने का काम किया और अंततः भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार को सजग करने के कारण उन्हें अपमानित होकर कांग्रेस